हाँ जी स्टूडेंट, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 31.6 ओम एंड इट्स सेल कांस्टेंट इज 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 31.6 ओम दी हुई है और इसकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स दिए गए। फाइंड क्या करना है हमने, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं कापा, और मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। ठीक है, अभी हमने पीछे किया कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, और जो कंडक्टेंस है जी, जी किसके इक्वल है 1/r, और हमें जी की वैल्यू क्या दी हुई है, अब 1/r मीन्स 1/31.6 इंटू सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0.357। ठीक है, अब इट मीन्स हम कापा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.357/31.6। ठीक है, आप भी सॉल्व करो फिर मैं भी सॉल्व करती हूँ।